जयकरत सेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलते हैं आज वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हो उस जगह का नाम है कटरा। अब यहाँ से चढ़ाई करनी पड़ेगी वैष्णो देवी की। मौसम बहुत मस्त है वैष्णो देवी के अंदर, वाकई में बारिश जैसा मौसम है। आप देख सकते हो मौसम, ये मेन चौराहा है, यहाँ से हम चढ़ाई करेंगे। इस जगह का नाम है कटरा। यहाँ पे खाने पीने की होटलें हैं और रुकने की होटलें हैं। यहीं से ही हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, हमें यहीं से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा माँ वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ से बिल्कुल पास में है रजिस्ट्रेशन रूम, वहाँ चलते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। यहाँ पे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है जब कराने जाना। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लेता, कोई चार्ज नहीं लेता। आप चाहे तो ऑनलाइन वैष्णोदेवी.in में ऑनलाइन गूगल पर सर्च मार करके वहां से भी रजिस्ट्रेशन फ्री करवा सकते हैं, नहीं तो यहां पे लाइन में लग के कर सकते हैं। जय माता दी, 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 भक्ति झोली, जय माता दी, अम्बे रानी, जय माता दी, झंडे वाली, जय माता दी, वाली, जय माता दी, नैना मैया, जय माता दी, ज्वाला मैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। यहाँ पे हमारी स्कैनिंग होगी और हमारे बैगों की स्कैनिंग होगी, फिर यहाँ से हम ऊपर की ओर रवाना होंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो दरबार देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल दरबार होते हैं, ये यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए बनाए गए हैं। जगह जगह पे स्टूडियो वाला बना रखते हैं जिसमें लोग अपनी माता के साथ में अपनी फ़ोटो खिंचा सके, माता के शेर के साथ में खिंचा सके। खूब सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल पेड़ बना रखे होते हैं और बड़ा शानदार लगता है देखने में। यहाँ पे लोग पैदल यात्रा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे स्नान करते हैं बहुत से लोग, और कई लोग वापस आते हैं तो स्नान करते हैं। हमने यहाँ पे नहीं किया था, हमने होटल से ही करके निकले थे। ये आप देख रहे हैं, ये आदमी जा रहा है, ऐसी बग्गी भी कर सकते हैं आप ऊपर जाने के लिए। और वैसे मैं आपको यही बोलूँगा कि पैदल जाएँ, हमने भी पैदल गए थे, बड़ा आनंद आया था। ये देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, ये पहाड़ी पानी है, पहाड़ की से आता है पानी और लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, मज़े लेते हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा पैदल यात्रा का आनंद ही कुछ और है। पैदल जहाँ तक हो सके पैदल ही यात्रा करें, मज़ा आएगा। जय माता दी, 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 जय माता दी। ऊंचे ऊंचे मंदिरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ गुफा वाली का बोल साचे दरबार की जय। बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। ये मंदिर बीच रास्ते में आया था, बड़ा शानदार मंदिर था, पर उन्होंने मुझे इसके वीडियो शूट नहीं करने दिया, मंदिर का मना कर दिया, भैया पिक्चर ना खींचे, वीडियो ना बनाए, इसलिए इसके अंदर का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। मंदिर बड़ा शानदार था माता रानी का, मज़ा आ गया था दर्शन करके। मैंने बाहर से खड़ा होकर के वीडियो जूम करके कैमरा वीडियो बनाया था, तब उसने मेरे को मना कर दिया था, भैया आप अंदर प्लीज़ ना आए, आए तो वीडियो बंद करके आए। तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना शानदार मंदिर था। ये आप देख सकते हैं जो मैंने पहले जिक्र किया था, यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये स्टूडियो है,
पर ऐसा लगता है कि ये कोई माता का बहुत अच्छा दरबार है, बहुत बड़े लेवल पे दरबार है, ये कुछ नहीं है, ये स्टूडियो है, यहाँ पे लोग फोटो खिंचाते हैं माता रानी के साथ किश्ती में बैठ के, शेर के पास में बैठ के। ये यहाँ पे मशीनें हैं मसाज की, जिसमें 30 रुपये में आधा घंटा मसाज करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैंने कोई भी मसाज नहीं कराई थी, लोग पैदल जो या जातरू जाते हैं या आते हैं ना, तब यहाँ पे मसाज करवाते हैं। रास्ते में ऐसी मसाज की बहुत सारी दुकानें मिलेगी जहाँ पे आप मसाज करवा सकते हैं पैसे दे करके। इसका चार्ज लगता है 30 रुपये, 15 मिनट, पता नहीं आधा घंटा। बहुत से लोग यहाँ पे मसाज करवाते हैं शरीर की थकान उतारने के लिए। आप देख सकते हैं खूब सारे लोग लाइन से बैठे हैं, खूब सारी मशीनें लगी होती है, और बहुत सारी रास्ते में ऐसी मशीनें आएगी। पहाड़ों पे उमस बहुत है वैष्णो देवी में, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं अभी पैदल, बड़ी उमस है, पसीना कंटिन्यू आ ही रहा है, मौसम बड़ा मस्त है, बारिश जैसा है। माँ वैष्णो देवी के दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला है और एक सीढ़ियों वाला है। भाई अगर जॉइंट मजबूत है तो आप सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, नहीं तो आप रैंप से ही है, इस टाइप की ढलान ऊंचाई से चढ़ सकते। ये माँ वैष्णो देवी के रास्ते में प्रथम दर्शन आए थे चरण पादुका, इसमें भी इन्होंने मेरे को वीडियो बनाना मना किया था। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो, मैंने कहा सर आपके क्या जाना है, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी थ्रू लोग भी घर बैठे दर्शन कर लेंगे। ये सरकार के द्वारा सेवा की कराई गई है, जहाँ से आप घोड़ा किराए पे ले सकते हैं, घोड़ा कर सकते हैं, बग्गी कर सकते हैं, प्रीपेड काउंटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो पिट्ठू बैग है, जो वजनदार है, यहाँ पे किसी आदमी को किराए पे करके उसको अपना बैग पकड़ा सकते हैं, कोई आपके बैग में सामान चोरी नहीं होगा, आप आराम से पैदल यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में इस तरह की तमाम सी दुकानें आती हैं बीच में, जैसे फ्रूट्स हैं, चाय है, नाश्ता है, खाना है, वो आप क्या है कि मतलब अपने खर्चे पर यहाँ से परचेज करके खा सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। माँ वैष्णो देवी के रास्ते दो बनाए गए, एक सीढ़ी वाला, एक रैंप वाला। रैंप से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यही सीढ़ी से थोड़ा रास्ता पास पड़ता है, पर सीढ़ी का रास्ता बहुत तकलीफदायक रहता है, अगर आदमी सीढ़ी से जा नहीं पाता, आसानी से आ नहीं पाता, इसलिए लोग क्या है रैंप के थ्रू लंबा भली पड़े जाने की कोशिश करते हैं। और मैंने भी रैंप के थ्रू ही गया था, आते हुए कुछ सीढ़ियों के थ्रू वापस नीचे आया था।
जय नीरज भाई। अब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो एक ध्यान रखना, रेनकोट पास में रखना है, यहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है, कोई बारिश का कोई टाइम नहीं है, तो इसलिए आप रेनकोट रखें। और यहाँ पे वैसे रेनकोट मिल भी जाते हैं 100 रुपये 150 रुपये में, तो आप अगर नहीं भी लेके जाते हैं तो आपको रास्ते में बेचने वाले मिल जाएंगे, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। ऐसे वैष्णो देवी में ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे लोहे के शेड लगे हुए हैं, तो आदमी भीगने का डर नहीं रहता, आप आराम से उसके नीचे खड़े हो सकते हैं, बहुत लंबी दूरी तक शेड लगे हुए हैं, तो ये चीज़ मुझे वैष्णो देवी में बहुत अच्छी लगी। और सेफ्टी भी बहुत है, पहाड़ियों में गिरने का भी डर नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं रॉयल की लोहे की ग्रिलें भी बहुत सारी लगी हुई है। यहाँ पे मौसम बड़ा शानदार हो गया था, इस टाइम में बादल आने लग गए थे, भयंकर बरसात होने लगी थी, ठंडा मौसम हो गया था, मज़ा आ गया था इसके बाद में यात्रा करने में। इस गर्मी में बड़ा मौसम मस्त हो गया है, आप देखो पहाड़ मतलब पहाड़ आ रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है, धुआं ही धुआं है। ये अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहुंच गए हम ऊपर पहाड़ियों पे, यहाँ पे रुकने की भी धर्मशाला है, आप रुक सकते हैं, बड़ा शानदार मजा आ जाएगा आप यहाँ पे रुकेंगे तो। यहाँ पे चाय नाश्ता खाने की तमाम होटलें हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी, पास में ही है, और आप यहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाय नाश्ता किया था, उसके बाद में यात्रा ऊपर तय की थी। यहाँ पे अर्धकुंवारी में आपको दर्शन करने के लिए यहाँ पे आपको जो नीचे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था ना, वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको पर्ची में नंबर दे देंगे, जो आप ऊपर दर्शन करके वापस आएंगे 24 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। मेरा नंबर आया नहीं था क्योंकि मेरा 400 कुछ नंबर था, तो इसलिए मैं वापस जब दर्शन करके रात को जब 1:30-2 बजे पहुंचा, मैंने इनको बोला था रिक्वेस्ट की कि मैं दर्शन करने हैं, तो उन्होंने बोला भैया कल आएंगे आपके नंबर, इसलिए मैं यहाँ पर लोग आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं माता के गुफा के दर्शन नहीं कर पाया था। ये लोग सब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 24 घंटे बाद में यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, इनके हाथ में जो स्लिप है ना, इस स्लिप के हिसाब से ही इनको अंदर गुफा में भेजेंगे और दर्शन करने के लिए। अगर अगली बार माता रानी ने चाहा तो मैं यहाँ पे दर्शन जरूर जरूर करके आऊंगा। यहाँ पे 5-6 किलोमीटर जब ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ के ये मंदिर आया था अर्धकुंवारी जी का, यहाँ पे भीड़ भी बहुत थी और बहुत मजा मस्त नजारा था और देखने में मजा आ रहा था। यहाँ पे मेरा बहुत मन था यहाँ पे रुकूं, मैं एक नाइट रुकूं यहाँ पे इस पहाड़ियों के अंदर, तो मजा आया था, पर मेरे को यहाँ पे नॉलेज नहीं था, मैंने यहाँ पे कमरा बुक करा नहीं था। आपको कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले तो आप पहाड़ियों के बीच में रुकना बहुत अच्छा लगेगा, आपको यहाँ पे सस्ते कमरे मिल जाएंगे, सरकारी क्वार्टर है, बहुत कम भाव में बहुत कम चीप रेट में आपको मिल जाएंगे, धर्मशाला बोलते हैं इनको, आप यहाँ पे रुकिएगा। मुझे नॉलेज नहीं था तो मैं रुक नहीं पाया, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, आप जरूर रुकिएगा।
हम वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच चुके हैं। जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की सह। ये सामने ही, यहाँ से 2-3 किलोमीटर मात्र पैदल चलना होगा। अब ये आप उडन खंडोला कर सकते हैं। ये उडन खंडोला आपको मिलेगा वैष्णो देवी से लेकर के भैरू जी का मंदिर है ना, वहाँ तक 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, वहाँ आप आना जाना कर सकते हैं 100 रुपये में। 100 रुपये भैरू जी को ले के जाएगा, और भैरू जी से कोई अगर वैष्णो देवी जाता है तो 100 रुपये में वैष्णो देवी लेके जाएगा। ये अब हम वैष्णो देवी माता के मंदिर के एकदम पास में हैं, यहाँ से हम प्रसाद खरीदेंगे और उसके बाद में माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। और वहाँ पे भी नहाने की व्यवस्था है, अगर आप नहाना चाहें तो ऊपर आप नहा सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में आप दर्शन के लिए अंदर गुफा में जा सकते हैं। यहाँ से भैरव घाटी का मंदिर 2 किलोमीटर दूर है, हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था, फ़ोन जब्त कर लिए थे, उन्होंने कहा था आप फ़ोन जमा करा दीजिए उसके बाद में आप अंदर दर्शन करने जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं तो आप दर्शन करने नहीं जा सकते। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं भैरू मंदिर। वैष्णो देवी माता के मंदिर में अगर आप दर्शन करते हैं और भैरू जी के मंदिर दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए प्लीज़ माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी ज़रूर जाएँ। यहाँ से भैरव जी का मंदिर 2 किलोमीटर है लंबी पहाड़ियों पर। अब यहाँ से हम देखो जा रहे हैं, ये रास्ता भैरव घाटी का है जो अब आप देख रहे हैं वीडियो में। मैंने भैरू जी के भी दर्शन कर लिए, यहाँ पे भी मोबाइल वीडियो शूट करना मना था, इसलिए अब हम चलेंगे नीचे की ओर। आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे, कितना मस्त है, नाइट व्यू जिसको बोलते हैं। अब वैष्णो देवी से नीचे आ रहा हूँ, 6-7 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ। मैंने कहा वीडियो बनाते, अंधेरा था उस समय, वीडियो नहीं बनाया। अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आता है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय करा सेरा वाले दबोल साचे दरबार की जय। मज़ा आ गया वैष्णो देवी के दर्शन करके, वैष्णो देवी के अमरनाथ जी के सबके दर्शन करके आए, मज़ा आ गया इस बार। 15 दिन का टूर था। रस्ते में खिलौनों की, प्रसाद की दुकानें आती है नीचे उतरते हुए, देख सकते हैं आप पहाड़ों से जब नीचे उतर रहे हैं, चाय, कैंटीन, नाश्ते की सबकी दुकानें आती है।